वाहे गुरु
जम का ठेंगा बुरा है, ओ नहीं सही आ जा, ओ नहीं सही आ जाए, एक जो साधु मोह मिले हो, मोह मिले हो, एक जो साधु मोह मिले हो, तिन लिया अंचन लाए, साधु जन दे हो मिलाए माधो, साधु जन दे हो मिलाए, साधु जन दे हो मिलाए माधो, साधु जन दे हो मिलाए, साधु जन दे हो मिलाए माधो, साधु जन दे रेन प्यारे,
मुराद हमारी Thank you.
संतार संग विहार पुल्ले से जम जम मरते तिन कदे ना चूकन हार संता 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 संग विहारे साधु जन दे हो मिलाए मारो साधु जन दे हो मिलाए साधु जन दे हो मिलाए मारो साधु जन दे हो मिलाए साधु जन दे मिलाए माधो साधु जन दे हो मिलाए साधु जन दे हो मिलाए माधो साधु जन दे हो मिलाए माधो 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 कबीर संत की गैर न
अच्छो राम जो दाता मुकत को संत जपावे ना संत जपावे ना संत जपावे ना संत जपावे ना वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे Bye.
वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु एक ओंकार सतनाम करता पुरुष निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सह पंगुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच एक ओंकार सतनाम करता पुरुष निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सह पंगुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सह पंगुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सह पंगुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सह पंगुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच श्री वाहे गुरु वाहे गुरु
मिलावे
मिलबेकु प्रीत मन लागे प्रभु मिलबेकु प्रीत मन लागे पाय लगो मोहे करो बेनती को संत मिले वड पाकी को संत मिले वड पागी आस प्यासी चित वो दिन रैनी है कोई संत मिलावे नेरा है कोई संत मिलावे नेरा मेरा हर पे खन
प्यासी चित वो दिन रैनी है कोई संत मिलावे नेरा है कोई संत मिलावे नेरा
गाए गुण
सागर सफन सवेरा।
से प्यासी चित वो दिन रहे, कोई संत मिलावे नेरा, कोई संत मिलावे नेरा। प्यास से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कितनी प्यार भरी पंक्तियां हैं और कितनी ज्ञान वाली भी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आस प्यासी चित वो दिन रहनी, है कोई संत मिलावे नेरा। कमाल है, हमेशा ये कमाल लगता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। किसी छोटे मोटे नेता से मिलना हो तो सीधा नहीं मिल सकते, ऑफिसर से मिलना हो सीधा नहीं मिल सकते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कोई बीच में चाहिए जिसकी पहचान हो। यहाँ पे बात हो रही है सृष्टि के मालिक की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वे अक्षर उन लोगों के लिए खास करके ज्ञान की बात है जो कहते हैं कि संत होते ही नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिनका ये विचार है कि संतों की जरूरत ही नहीं, सीधा ज्ञान हासिल कर लेना चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पंक्तियां देखिए क्या कह रही है। गुरु अर्जन देव जी महाराज का उच्चारण किया हुआ ये शब्द क्या कह रहे हैं कि मुझे प्यास लगी है परमेश्वर से मिलने की। आस प्यासी चित वो दिन रहनी, मुझे प्यास जाग गई है प्रभु से मिलने की। है कोई संत मिलावे नेरा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई संत है हे वाहेगुरु, किसी संत को भेज जो तुझसे मिला दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दर्शनों की प्यास प्रभु के, हर पेखन को सिमरत मन मेरा, पर मांगा क्या है, है कोई संत मिलावे नेरा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि बिना संतों के, बिना बिचोले के डायरेक्ट नहीं मिलता वो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये अपने भक्तों को वड़ियाई दी है उसने। मिलना चाहे मिल सकता है, पर उसने अपने संतों, अपने भक्तों को वड़ियाई दी है कि तुम्हारे कहे बिना मैं नहीं मिलूंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। संत, बच्चे को स्कूल में भेज दो, क्यों भेजते हैं, घर में पढ़ा दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। किताबें लाके दे दो पढ़ ले, खाली किताबें बच्चे के हाथ में दे दो, कुछ भी समझ में नहीं आएगा उसे, किस चीज की जरूरत है, टीचर की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी खुद पढ़ लो बैठकर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जब तक बीच में कोई महापुरुष, कोई ज्ञानी, कोई संत बताने वाला ना हो, बात पल्ले ही नहीं पड़ेगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गलत मतलब निकाल लोगे।
जिस प्रकार टीचर की जरूरत है स्टूडेंट के लिए, संत की जरूरत है जो परमार्थ में रास्ते के चलने वाले स्टूडेंट होते हैं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कई लोग कहते हैं कि संत होते ही नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कॉमन सेंस की बात है, मार्केट में नकली नोट क्यों होते हैं, कब आते हैं, जब असली हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। असली है तभी नकल का लाभ है, नकल प्रमाण है कि असल है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये इतने सारे जो वेशभूषा धार कर घूमते हैं नकली संत, इसका मतलब है असली भी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इसलिए तो मांगा है गुरु से, पाचा तरस कर भटक ना जाए, किसी नकली के पल्ले ना पड़ जाए, कोई तू ही भेज दे पूरन संत। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु। बड़ी कमाल की बात है सात संगत जी। वैसे दास हमेशा कहता है, हैरानी होती है हमारी अपनी सोच, समाज की सोच के ऊपर। इंसान 100 रुपया भी खर्च करता है ना, कपड़ा भी ले, कुछ भी ले, बर्तन भी लेता है तो ध्यान से चेक करता है, खराब तो नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु। कपड़ा भी किसी पास वाले से पूछेगा सही है ना, गलत तो नहीं। पर जब संतों की संगत करनी होती है, कोई कह देता फलाना संत है, जाके माथा टेक देती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जहां पर सर देना है, जहां पर वचन माननी है, जीवन बनना है, वहां पर कोई परख नहीं करते हम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जहां पर 4 लोगों ने कह दिया वहां चले गए, नहीं, परख करो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अगर उसकी नजर तेरी जेब पर है, तेरे जीवन पर नहीं, तो वो संत नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी के वचन, गृहस्थी के पास पैसे नहीं, वो कौड़ी का नहीं, उसकी कीमत नहीं, पर अगर संत के पास जमीन जायदाद का भंडार है तो वो कौड़ी का नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बिरला सेठ उस जमाने में, सात संगत जी, उस जमाने में जब इतिहास में लिखा है, एक आने का शेर आटा मिलता था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी के पीछे घूम रहा है 80 लाख रुपया दसवंध लेकर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। 80 लाख रुपए उस जमाने में, आज के पता नहीं कितने करोड़ होंगे, अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। कई दिनों तक पीछे घूमता रहा बाबा नंद सिंह जी के, कि 80 लाख रुपए मेरे पास है, दसवंध है, कहीं पे लगवा लो, कोई सेवा करवा लो, ये बनवा लो, वो बनवा लो। आखिर में तंग आके बाबा नंद सिंह जी कहने लगे, तो क्यों करना चाहता है 80 लाख रुपए की सेवा? कहने लगा, मेरा भला कैसे होगा? बाबा नंद सिंह जी कहने लगे, तेरा भला 80 लाख रुपए लेकर किया तो क्या किया? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अगर तू अपना भला चाहता है तो अमृत वेले उठ के नाम जप। हम जाम नहीं देते हैं कि जमदूत तुझे हाथ नहीं लगाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर तू अगर यह सोचेगा कि 80 लाख रुपए खर्च करके मैं बच जाऊं, केवल दान देने से नहीं बचेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये कौन कह सकता है पूरन संत? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। एक बड़ी प्यारी घटना ऐतिहासिक, बनारस के राजा का दरबार लगा है, एक गुरु का सिख, कमाई वाला, जिसे आप साधु कह सकते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अद की कमाई वाला वो राजा को रोज दोपहर को श्री सुखमनी साहिब जी का पाठ सुनाता है और उसके अर्थ समझाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। राजा जो वेदों शास्त्रों का भी ज्ञाता है, बहुत मानता है वेदों शास्त्रों को, पर श्री सुखमनी साहिब जी की वाणी भी बड़ी श्रद्धा से सुनता है। आज पाठ करते करते ये पंक्तियां आ गई, कौन सी? श्रवण कीजिए। साध की महिमा वेद ना जाने, साध की महिमा वेद न जाने,
ये पंक्तियाँ श्री सुखमणि साहब जी के पाठ में के साध की महिमा वेद ना जाने, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, के जो वेद शास्त्र हैं ये साधु की महिमा को नहीं बता सकते, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, क्योंकि साधु की महिमा लिखी नहीं जा सकती, संत की महिमा, साधु की महिमा। तो राजा ने रोक दिया, कहने लगा मैं नहीं मानता, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वेद शास्त्र ज्ञान से भरे पड़े, अगर वो साधु की महिमा नहीं जानते तो फिर कौन जानता है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तो उस महापुरुष, उस साधु, उस गुरसिख ने समझाया कि इंसान के तीन प्रकार के इंसान होते हैं, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, ये तीन गुण हैं, चौथा गुण भी है जो संतों के पास है, वो वेदों में लिखे ही नहीं जा सकते हैं, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, वो नहीं लिखे जा सकते, वो केवल निरंकार जाने और साधु जाने, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पर राजा कहने लगा ऐसे कैसे हो सकता है, मैं नहीं मानता। बहस हो गई, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब गुरु का सिख था, उससे रहा नहीं गया कि सुखमणि साहब जी की बाणी पे किंतु परंतु कर रहा है, बाणी तीन काल सत है, राजन बाणी पे का सत्कार कर, ऐसे मत कर, बाणी में जो लिखा है वो तीन काल सत्य है, मत बोल के ये नहीं हो सकता, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पर राजा कहने लगा मुझे प्रमाण चाहिए, मैं नहीं मानूंगा। तो गुरु के सिख के मुखारविंद से वचन निकल गए कि ठीक है राजन, तेरा बेटा तुझे आकर इस पंक्ति की सार्थकता को समझाएगा, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। राजा जोर जोर से हंसने लगा, कहने लगा ये दरबार सजा हुआ है, ये सारे ज्ञानी पंडित, मेरा राजगुरु सब बैठे हैं, इन्होंने वेदों शास्त्रों पर विचार करके बता दिया है कि मेरी कर्मों में सात जन्मों तक औलाद नहीं है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वैद्य हकीमों ने भी मना कर दिया कि औलाद हो ही नहीं सकती, और आप कहते हो कि मेरी औलाद मुझे बताएगी, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। राजा कहने लगा अब तो ये बात तो यहीं पर झूठ हो गई। तो वह साधु मुस्कुरा के कहने लगा गुरु कैसे कि राजन, अब तो कह दिया है तेरी औलाद होगी, पर उसकी, पर तूने शंका की है बाणी के ऊपर, इसलिए मैं कह देता हूँ उसकी उम्र 9 साल 11 दिन की होगी बस, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु। अभी कह देता हूँ। कहने लगा ये ज्योतिष जो तुझे बताते हैं ये वेद शास्त्रों के हिसाब से बताते हैं? कहने लगा हाँ। कहने लगा ये बाणी की बात कर रहा हूँ मैं, साधु की बात की है ना, अब मैंने कह दिया है ये बात, गुरु की कृपा से मैंने ये बात तुम्हें कह दी है, तुम्हारा बेटा आके समझाएगा, अब जिस दिन तुम्हारे घर में औलाद पैदा होगी तुम समझ जाओगे कि साध की महिमा वेद ना जाने हैं, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। यहाँ पर बहस खत्म हो गई। राजा ने सबको बुलाया जितने भी उसके थे खास, कहने का फिर से एक बार चेक करो मेरे कर्मों में औलाद है या नहीं। उन सारे पंडितों, सारे ज्ञानियों, राजगुरु ने सारे ज्योतिष विद्या से सारा देख कर कहने लगे राजन, सवाल ही नहीं उठता कि तेरे कर्मों में 7 जन्मों तक औलाद हो, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, हो ही नहीं सकती। पर यहाँ पर बात किसकी चल रही है? संत की ही। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, जो रेख में मेक मारने की ताकत रखते हैं गुरु की कृपा से, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब दो पंक्तियां पढ़े। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। समा आया राजा के घर में औलाद, पर एक साधु ने कह दिया होगी और हुई, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पर क्योंकि मैंने बात की मेरे बेटे की उम्र केवल 9 साल, सोच में पड़ गया, आखिर में अपने मंत्रियों को बुलाया, उसमें से एक मंत्री को चुना, कहने लगा तुम्हारे लिए एक काम है, मेरे इस पुत्र को लेकर जंगल में जाके रहो, तुम्हारे सुख साधन सब चीजों का प्रबंध वहां कर दिया जाएगा, क्योंकि मैं इस मोह में पड़ना नहीं चाहता, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, मेरे पुत्र की परवरिश करो,
क्योंकि 9 साल तक इसने जीवित रहना है, मेरे साथ रहेगा, मेरा मोह पड़ जाएगा, फिर मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा इसकी मृत्यु को। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। 9 साल 11 दिन बाद इसकी मृत्यु हो जानी है, पर अगर किसी वजह से ये नहीं हुई तो फिर इसे मेरे पास ले आना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नहीं तो इसे जंगल में तुम उसकी परवरिश करो। मंत्री मना कैसे कर सकता था, राजे का हुक्म था, लेकर चला गया जंगल में, घर बना के दिया राजा ने, सब रह रहे। इस बालक की आयु इतिहास में लिखा है 9 साल की हो गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और इसने मंत्री और उसकी घरवाली की बातें सुन ली। क्या सुन ली इसने, कि केवल 11 दिन हमने और यहाँ बिताने हैं जंगल में, फिर हम वहाँ पर रहेंगे शहर में जाकर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। क्योंकि इसकी आयु बच्चे की केवल 11 दिन बाकी, 9 साल का तो ये हो गया है। बालक ने ये बात सुन ली। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब जिस पाठशाला में इसे भेजा जाता था जंगल में से चल के, रास्ते में महापुरुषों की कुटिया आती थी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। संतों की कुटिया। इसका मन 9 साल की उम्र है, पर मौत का सुन के ये घबरा गया, मन भरा है इसका। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। चुपचाप जब स्कूल जाने के बदले, पाठशाला जाने के बदले, संतों की कुटिया में चला जाया करे रोज। कहने लगा जीवन के 11 दिन बाकी हैं, मैं 11 दिन संतों की सेवा करूंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये पाठशाला ना जाकर कुटिया में जाने लगा, वहां पे झाड़ू देने लगा, संतों की सेवा करने लगा, जो महापुरुष कहते वो करने लगा। जब 10वां दिन हुआ, महापुरुषों ने इसे अपने पास बुलाया। भाई तू कहां से आता है, कौन है, क्यों सेवा करता है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तो इसने रोकर सारी बात बताई कि मेरे पास केवल 1 दिन और है, कल मेरी मृत्यु हो जाएगी, आज का दिन ही है। तो मेरा मन था कि जितने दिन बचे हैं मैं साधु संतों की सेवा कर लूं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। उस वक्त इतिहास में लिखा है कुटिया में 10 साधु बैठे थे, 10 साधु। उन्होंने आपस में विचार किया और सब ने अपनी 10-10 साल आयु इसे दे दी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगा जा, तेरी सेवा, 10 दिन की सेवा से तुझे हम 100 साल की उम्र देते हैं, और अपने पिता को जाके कह देना ये है साध की महिमा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये है साधु की महिमा, जो वेद नहीं जान सकते, जो चाहे लिख सकते हैं, ये ताकत है साधु की, ये गुरु ने उन्हें प्रदान की है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। साधु को पहचानने के ना कुछ नजरिया है साध संगत जी, पूरन साधु को पहचानने का, उसमें इतनी सी भी लालच नहीं होती। थोड़ा समझो बात को, भटको मत, उसकी नजर आपके जीवन पर होती है। साधु रात को सोता नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नानसिंह जी कहते थे साधु को देखना हो रात को जाकर देखो, केवल जागना ही बड़ी बात नहीं है, जागकर कर क्या रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जागते तो कचरा उठाने वाले भी हैं, जागते तो 3 बजे वो भी है जिन्होंने जॉब पर जाना है, 5 बजे की ट्रेन पकड़नी है। जागते तो चोर भी है रात को, जागकर करते क्या है? अगर जागकर समाधि में लीन है, सिमरन कर रहे हैं, तो साधु है, नहीं है तो बन जाएगा एक दिन। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जे जे तुमरे ध्यान को नित उठ दिया है संत। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वाणी कह रही है जो जो अमृत वेले उठ के तेरे ध्यान में जुड़ते हैं, जे जे तुमरे ध्यान को नित रोज उठ ध्याय हैं, तुझे ध्याते हैं संत। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो संत बनेंगे, जितने भी बैठे हो ना संत बनना पड़ेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये हंसने की बात नहीं है। ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन जी कहा करते थे, कहते माता मेरे पास आती है अपने बच्चों को लेकर, कई माताएं, और पूछते मेरा बेटा क्या बनेगा, कहते मैं कहता संत बनेगा, वो खुश हो जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक कि मेरा बेटा संत बनेगा। पर कहने लगे ये झूठ नहीं था, मैं जान छुड़ाने के लिए नहीं कह रहा था, जब तक संत बनेंगे नहीं मुक्ति ही नहीं होगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आना जाना चलता रहेगा, चलता रहेगा। ये जो बैठे हैं ना अमृत वेले सिमरन कर रहे हैं, आस्ते आस्ते अवस्था ऊपर आनी शुरू हो जाएगी, ये जन्मों का खेल है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और इसका ये लाभ है, जो नाम जप रहे हो ना, ये चढ़ती कला में क्यों जपा करो पता है? दुनियावी पढ़ाई आप करेंगे, 20 साल लगाए, 25 साल लगाए, डॉक्टर बन गए, अब मर गए,
फिर से जन्म लोगे, फिर से ABCD से पढ़ना पड़ेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो सारी पढ़ाई सारी मेहनत व्यर्थ चली गई, वो साथ नहीं जाती, पर ये नाम की पढ़ाई ये साथ जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आप देखोगे कई बालक ऐसे होते हैं इतने सहज में, छोटे हैं पर उनकी अवस्था बड़ी ऊंची होती है। क्यों? पिछली कमाई साथ में आ रही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर इस जन्म में आपने क्रोध को जीत लिया है नाम जप जप कर, जब दूसरा जन्म होगा तो क्रोध को जीत कर आओगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इस जन्म में अमृत वेला आपने संभाल लिया है, अगला जन्म ऐसे घर में गुरु देगा जहाँ पे जन्म लेते ही अमृत वेला मिल जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये पढ़ाई साथ में जाती है, एक तिल मात्र भी जब हुआ व्यर्थ नहीं जाता। कभी मन अफसोस मत करने कि इतना समय हो गया जपते हुए, कोई बात नहीं, ये कंटिन्यू मिलेगा आपको, ये आपके साथ जाएगी। एक यही चीज है जो आपके साथ जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आस प्यासी चित वो दिन रहने है कोई संत मिलावे ने के ये वचन है जो अभी श्रवण किए हैं। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज हमें मांगने की जात सिखा रहे हैं। क्या मांगो? संत सहाय सदा जगमाए। हे वाहेगुरु कृपा कर इस दुनिया में, इस जगत में हमेशा संत मेरी सहायता करें। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज हमें समझा रहे हैं कि संतों की संगत कितनी जरूरी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। संत सहाय सदा जगमाए, कृपा कर श्याम एह वर दीजिए। वो हजरत मोहम्मद साहब वाली बात याद आ गई यहाँ पर। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हजरत मोहम्मद साहब गुजर रहे थे ना, प्यास लगी, एक घर का दरवाजा खटखटाया, छोटा बालक बाहर आया, कहने लगे ग्लास पानी पिला दो। वो बालक जब पानी लेकर आया, हजरत मोहम्मद साहब पानी पी रहे हैं, तो उसका माथा पड़ लिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। उसकी माता को बुलाया, कहने लगे माता कहना ठीक तो नहीं लगता, पर तेरे बालक की उम्र कुछ दिनों की रह गई है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। माँ कैसे सुने कि बेटे की उम्र छोटी है, रो पड़ी। हजरत मोहम्मद साहब से कहने लगी, आप अल्लाह के भेजे हुए वली हो, कुछ करो, आपने बताया तो उम्र भी बढ़ा के दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हजरत मोहम्मद साहब ने ध्यान लगाया, अल्लाह से पूछा कितनी उम्र है इसकी, तो आवाज आई कुछ दिन की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हजरत मोहम्मद साहब कह के चले कि कुछ नहीं हो सकता, इसकी उम्र कुछ दिनों की ही है, चले गए। काफी समय बाद, कई महीनों बाद, जब हजरत मोहम्मद साहब वहाँ से गुजर रहे थे, तो सोचा कि इसकी माता को मिल लूँ और थोड़ा सा धाड़स बंधा दूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक।
पर दरवाजा खटखटाया, उसी बालक ने दरवाजा खोला। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हजरत मोहम्मद साहब हैरान हो गए कि इस बालक की उम्र तो कुछ दिन की थी, ये फिर से जीवित सामने खड़ा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसकी माता को बुलाया, कहने लगे ये कैसे हो गया, इसकी उम्र तो थी ही नहीं। माता कहने लगी मैं नहीं जानती, पर एक बात मुझे याद है, आपके जाने के कुछ दिन बाद एक फकीर आया था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसने भी पानी मांगा, मैंने अपने इसी बेटे के हाथ से पानी भेजा। उसने पानी पीकर कहा बेटे तेरी बड़ी उम्र हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उनके हृदय से आशीष निकली कि इस बालक की उम्र बड़ी हो। तो कहने लगी मैं रो पड़ी उसी वक्त कि हजरत मोहम्मद साहब तो कह गए इसकी उम्र कुछ दिनों की है, पता नहीं कितने दिन और है। तो फकीर कहने लगा अब तो मेरे मुख से निकल गया, अब तो मैंने कह दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हजरत मोहम्मद साहब जुड़ गए अल्लाह से, कहने लगे या अल्लाह मैंने तुझसे पूछा था इसकी उम्र कितनी है, तूने कहा थोड़े दिन, फिर उस फकीर की क्या मजाल। तो हजरत मोहम्मद साहब कहने लगे तूने पूछा था, वो फकीर आया और लिख कर चला गया, उसने पूछा ही नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। उसने पूछा ही नहीं, आया और लिख कर चला गया। ये है संतों महापुरुषों की ताकत। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये क्यों है, मेरी बांधी भगत छुड़ावे, बांधी छप भगत ना छूटे मोह है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु साहब जी कहते हैं कि अगर मैं किसी को बांध दूं, कोई श्राप दे दूं, कोई किसी प्रकार का किसी को दुख दे दूं, तो मेरे भगत उसे छुड़ा सकते हैं। मेरा भगत किसी को सुख दे दे, दुख दे दे, शराब दे दे, मैं नहीं छुड़ा सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मेरी बांधी, मेरा बांधा हुआ भगत छुड़ावे, बांधी भगत ना छूटा मोह है, ये वड्याई दी है उसने अपने प्यारों को। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सारी बाणी संतों की महिमा से भरी पड़ी है, कोई तो कारण है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आओ दो पंक्तियां पढ़े। आस पिया से चित वो दिन रहने है, कोई संत मिलावे नेरा, फकीर होते हैं ना ये बड़े अनोखे होते हैं, इनको समझना बड़ा मुश्किल होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये तो गुरु कृपा करे वो आंख दे, कल भी आई थी ना साकी भी, 12 साल तक वो तप करता रहा, नाम जपता रहा, तब जाके उसको आंख मिली संत को पहचानने की, उन्हीं से पूछ के गया है रास्ता और 12 साल बाद वहीं पे आके झुका है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। क्योंकि ये बड़े अनोखे होते हैं, ये अपने मस्त रहते हैं, इनको समझना बड़ा मुश्किल होता है। मैं दास ने ऐसे ऐसे महापुरुष देखे जो इतना कड़वा बोलते हैं कि आप बोलोगे ऐसे आदमी से तो बात ही नहीं करनी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पर वो क्यों करते हैं, ताकि अकेले रह सके। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई तंग ना करे, वाणी कहती है जे बाहरों पुलिच को बोल दे पी खरे हर पानी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो बाहर से उल्टा सीधा बोलेंगे ताकि लोग उनके पास ना रहे, अकेलापन मिल जाए उन्हें। कबीर जी ने नहीं किया था, जब लाइन लग गई लोगों को उनको मिलने के लिए, तो बोतल पकड़ ली हाथ में जिसमें शराब के जैसा कलर का पानी डाल लिया और ऐसे घूम रहे जैसे कोई शराबी हो गांव में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सब निंदा करने लगे, कबीर जी अपने जुड़ गए झोंपड़ी में, जान छूटी, लोग जो रोज लाते थे अब निंदा करने लगे, कबीर शराबी हो गया, अब कोई नहीं आ रहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तभी तो बुल्ले शाह जी ने यह बात कही है, चल बुलिया उत्थे चलिए जिथे सारे अन्य, ये संतों के मन की अवस्था है, चल बुलिया उत्थे चलिए जिथे सारे अन्य, ना कोई साड़ी जात पछाने, ना कोई सानू मन्ने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वहां पे चले जहाँ ना कोई जानने वाला हो, ना पहचानने वाला, ना कोई मानने वाला। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। स्वामी रामकृष्ण परमहंस, नाम सुना होगा आपने, स्वामी विवेकानंद जी के गुरु। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बहुत कमाई थी उनकी, पर उनका भी एक अलग अजीब स्वभाव था, ब्रह्म ज्ञान की अवस्था,
ब्रह्म ज्ञानी की अवस्था उनकी, और जितने भी उनके पास शिष्य, कितने बड़े बड़े लोग, ज्ञानी महाज्ञानी, उनसे रास्ता पूछने आते थे। ब्रह्म ज्ञान की चर्चा हो रही है, अचानक उठ के चले जाते थे किचन में भी क्या बना है खाने के लिए, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, बार बार आवाज़ दे के पूछते थे क्या बना है, आज ये बनाना, ऐसे तड़का लगाना, ऐसे मसाले डालना। तो शिष्य सब हैरान होते थे, भाई ब्रह्म ज्ञान की अवस्था और ध्यान सारा खाने में, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, ये कैसे, कई लोग चले जाते थे छोड़ कर के, ये कैसे ज्ञानी है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, के पूरा टाइम ध्यान ही खाने में रहता है इनका, भोजन में। तो उनकी घरवाली शारदा एक बार झगड़ पड़ी, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, कहने लगी इतने बड़े बड़े महापुरुष बैठे हैं, बीच में से उठ के आ गए हो किचन में कि क्या बन रहा है, वो क्या कहेंगे कि कैसे हो आप, ब्रह्म ज्ञान की बात चल रही है, बीच में आ जाते हो, क्या बन रहा है, ऐसे करना। तो बहुत ज़्यादा जब झगड़ा किया तो रामकृष्ण परमहंस जी ने उस दिन भेद खोला, कहने लगे सुन मेरी बात, भगवान की दया से सारे बंधन टूट चुके हैं मेरे, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, न काम न क्रोध न लो न मोह न अहंकार, सारे बंधनों से मुक्त हो चुका हूँ मैं, मेरी जो नाव है जीवन की केवल एक संकल्प पर टंगी हुई है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, मैंने भोजन में रुचि बनाकर अपने आप को बांध रखा है, एक संकल्प अपने मन को बांध रखा है रुचि बनाकर भोजन में, जिस दिन मेरी ये रुचि छूट गई ये शरीर भी नहीं रहेगा, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये बात पता नहीं यहाँ पर कितने लोग समझ पाएंगे, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, पर संगत में हर तरह के लोग होते हैं, विद्वान ज्ञानी महापुरुष। कहने लगे जिस दिन मैं भोजन से रुचि हटा दी, समझ लेना कुछ ही दिनों का मेहमान हूं मैं, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, आखिरी संगल भी टूट गया। संतों महापुरुषों की अवस्था को समझने के लिए गुरु की कृपा चाहिए बस, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये जो बार बार मूल मंत्र में आता है ना, गुरु प्रसाद, या कोई भी हुक्मनामा लेंगे एक ओंकार सतगुरु प्रसाद, कोई शब्द शुरू होगा तो उसके पहले लिखा होता है एक ओंकार सतगुरु प्रसाद, इसका सिंपल सा मतलब है परमात्मा एक है, केवल गुरु की कृपा से मिलेगा, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, सतगुरु प्रसाद गुरु की कृपा के बिना नहीं मिलेगा, चाहे कितना भी नाम जप लें, कितनी भी सेवा कर लें, ये इसलिए करनी है कि उसे तरस आ जाए, पर मिलेगा उसकी कृपा से, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आओ अगर ये शब्द चल ही रहा है संतों का तो गुरु से ये मांग लें, गुरु से। कृपा निधान दयाल मोह दीजे, कर संतन का चेरा, रब ए है मनोरथ
सरदर सिपाओ प्रातः काल लागो जन चरनी निस्बा सरदर सिपाओ हर गुण गाओ हर जन सेवा रसना हर गुण गाओ तन मन अर्प करो जन सेवा रसना हर गुण गाओ तन मन अर्प करो जन सेवा रसना हर गुण गाओ प्रभु एह मनोरथ मेरा एह मनोरथ मेरा दूसरे किसी के ना बात करूं अपनी ही बात करूं तो अगर बाबा नंद सिंह जी की संगत ना मिलती तो रोल जाना था साथ संगत जी हर से बोलिए धन गुरु नानक बाबा नंद सिंह जी के घर की संगत कैसे मिली बाबा नंद सिंह जी का जीवन पढ़कर हर से बोलिए धन गुरु नानक छोटा सा था ये बात अपना परिवार ही ऐसा लगता है बता देना चाहिए सातवीं आठवीं में था नवरात्रि में जाके कीबोर्ड बजाया करता था गाने बजाया करता था प्यार से बोलिए धन गुरु नानक उस वक्त आठानी खर्चे मिलती थी आठाना खर्चे तो पहली बार मुझे 1100 रुपए मिले थे प्यार से बोलिए धन गुरु नानक मन में लालच जागा इतने पैसे मैं तो बहुत धनवान हो गया खर्च कहाँ करूँ इतने लालच जागा कि ऑर्केस्ट्रा में गाऊँ ऑर्केस्ट्रा में बजाऊँ
पर मेरी माता ने मुझे संभाल लिया, प्यार से बोलिया धन गुरु नानक, कहने लगे क्यों कर रहा है? मैंने कहा पैसे मिलेंगे बहुत सारे, प्यार से बोलिया धन गुरु नानक। बाबा आनंद सिंह जी का वचन सुना है कि गुरु नानक को एक शब्द सुना, गुरु नानक ने तुझे दाद दी है, आवाज दी है कि तुझे बजाना आता है। गुरु नानक को एक शब्द सुना दे, जो चाहे मांग ले, प्यार से बोलिया धन गुरु नानक। मैंने कहा फिर जो चाहूंगा, जो बोलूंगा वो मिलेगा? कहने लगे मिलेगा। और गुरु नानक पाशो को शब्द सुनाना शुरू किया, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। फिर बाबा नंद सिंह जी का जीवन पढ़ने की रुचि जागी, जीवन पढ़ता रहा, बार बार पढ़ता रहा, एक नशा सा हो गया वो पढ़ने में, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसलिए दास कहता है कि महापुरुषों की संगत केवल शरीर की नहीं है, आप उनकी किताबें पढ़ो, उनकी सीडी सुनो, वो उनकी संगत है, उनके वचनों की संगत है, आपको ऐसा महसूस होगा आपके साथ है। मुझे तो ऐसा लगता है मेरे रोम रोम में बाबा नंद सिंह जी बसे हुए हैं, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। संतों की संगत करने के शरीर, केवल शरीर मत ढूंढो, उनके वचनों की संगत करो। बाबा नंद सिंह जी का जीवन, संत बाबा थारा सिंह जी का जीवन, गुरु ने कैसे कृपा की, कहाँ भेजा? थारा सिंह दरबार, संत बाबा थारा सिंह जी की संगत, उनका जीवन पढ़ा और चाव पैदा हुआ। भाई साहब भाई मेहरवान सिंह जी मिल गए, उन्होंने भी कीर्तन से जोड़ा, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु की कृपा से संत मिलते गए, और गुरु की कृपा, फिर जैसे ही रास्ता पकड़ो तो पूरन महापुरुष संत बाबा खेम सिंह जी मिल गए, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा कुंदन सिंह जी जिन्होंने दास को कीर्तन की दात बख्शी, जो जिनके बारे में वाणी कहती है, जिनकी हम बात कर रहे हैं, वैसे है महापुरुष सात संगत, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अगर महापुरुष ना हो ना जीवन में, यही नहीं पता होता कीर्तन कैसे करना है, कुछ भी नहीं पता होता सत्संग, ये सब गलत होने लग जाता है। अगर टीचर बताने वाले ना हो, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मांगो, ये जो शब्द की पंक्ति है ना, ये पुकार है कि पाछा पूरन संतों की संगत बख्श, हम ढूंढने जाएंगे भटक जाएंगे, तू किसी को भेज दे, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। प्रभु यह मनोरथ मेरा, कृपा निधान दयाल मोहि दीजिए, कर संतन का चेहरा, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कृपा निधान दयाल मोहि दीजिए, कर संतन का चेहरा, कृपा से सारी दुनिया में जुड़ रही है। इसके पीछे अगर एक नाम है तो संत बाबा सुखदेव सिंह जी, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। उन्होंने बहुत प्रेरणा दी, बहुत प्रेरणा। कहने लगे हर शहर में अमृत वेला शुरू करा। मैंने कहा बाबा जी मैं कैसे कराऊं, मेरी कौन सुनेगा? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अकेला कीर्तन करता था अमृत वेले, कोई नहीं आता था, तबले वाला भी नहीं होता था, मैं अकेला कीर्तन करता था अमृत वेले, उनके वचन मानकर। पर वो बार बार कहते थे जा शहर में, गुरुद्वारे में जा, वहाँ बोल अमृत वेला करना है, संगत को अमृत वेले से जोड़। पर कुछ नहीं हो पाता था, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु को अरदास करता था पाछा तू कोई कृपा कर, महापुरुषों का हुक्म है कि संगत को अमृत वेले से जोड़, पर मैं कैसे जोड़ू, मेरी कोई ताकत नहीं, मेरी कोई बात नहीं सुनता, मैं कैसे जोड़ू? पर जब गुरु ने कृपा करनी होती है, आपकी सोच सही है और महापुरुषों का सर पे हाथ है, तो सब वो कर देता है, पता ही नहीं चलता कब हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जब वो कर रहा है, क्योंकि मुझे महापुरुषों ने कहा था ये जो प्रोग्राम हो रहा है ये मत सोचना कि तू करता है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, ये बाबा नंद सिंह जी खुद खड़े होकर करवाते हैं, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। महापुरुष संत ये बहुत ही जरूरी है जीवन में, बहुत ही जरूरी है। अगर वो चाहे ना सत्संग जी, तो जन्मों की घालना दिनों में पूरी करवा सकते हैं,
प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, वो चाहे तो, और उनकी खुशी लेनी पड़ती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, जो बहुत मुश्किल है, बहुत करड़े एग्जाम होते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पास भी वही करे, फेल भी वही करता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कृपा निधान दयाल मोह दीजे, कर संतन का चेहरा।
एक बात यहाँ पर थोड़ा समझ ले साथ संगत, जो महापुरुषों ने दास को कही थी, दास कई बार बता चुका है, पर इतनी कीमती बात है, मैं चाहता हूँ बार बार सुन लो ताकि हृदय में बस जाए। कई लोग आते हैं कि जल्दी कृपा हो जाए, कोई तरीका है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जन्म का काम दिनों में हो जाए, जुगतियां होती हैं, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कई जन्मों की कमाई दिनों में हो सकती है, एक तरीका महापुरुषों ने जो दास को बताया, चाहते हैं, मैं चाहता हूँ हर संगत हर इंसान वो करे, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मुझे कहने लगे, उस वक्त कुछ ऐसी संगत हो गई थी कि मेरा मन किया पहाड़ों में बैठ के नाम जपूं, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, कहीं चला जाऊं और जैसे करते हैं सब। तो महापुरुषों को पता चला तो मुझे कहने लगे, कितना नाम जप लेगा? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैंने कहा बहुत जपूंगा। कहने बहुत कितना? क्या ये कर सकता है कमरे में बंद हो जाए एक साल के लिए और नाम जपे? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैंने कहा हाँ शायद कर सकता हूँ। कहने लगे पर अंदर कुछ खाना नहीं है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैंने कहा ये तो नहीं कर सकता। कहते ना खाना है, ना सोना है, ना किसी से मिलना है, ना कोई बात करनी है, केवल सिमरन करना है कमरे में बंद होकर एक साल के लिए, कर सकता है? मैंने कहा नहीं। कहने लगे कोई भी नहीं कर सकता, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर अगर कोई कर ले, कोई हो किसी के ऊपर गुरु की मेहर और वो ये कर ले, तो कहने लगे उसका फल एक तरफ रख ले, उसका फल एक तरफ रख ले और एक किसी टूटे हुए को अमृत वेले से जोड़ दे, एक को उसका फल एक तरफ रख ले, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अमृत वेले संगत को जोड़, उस कमाई का कोई तुलना नहीं की जा सकती, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह का मिशन था घर घर अंदर धर्मशाल होवे कीर्तन सदा विसोवा। आप चाहते हो आपके ऊपर जल्दी कृपा हो, दूसरों को अमृत वेले से जोड़ दो, बस देखो कैसे फिर कृपा होती गुरु नानक की। जिस जिस चीज की आपको तकलीफ है वो कैसे सेकंडों में दूर होती है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दूसरों, एक होता है खुद नाम जपना, एक दूसरे को जपाना जोड़ना, ये इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हर इंसान दुखी है, दुखी से भरा हुआ है, और जिसे अमृत वाला मिल गया उसको पूछो कि उसे क्या मिला है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दुख होते क्या उसे पूछो, उसे पता महसूस ही नहीं होते, क्यों नहीं महसूस होते? अमृत वेले की ताकत, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक नाम की ताकत। दूसरों को जोड़ो, जो नहीं आते किसी प्रकार, देखो हर एक के दोस्त होते हैं, मित्र होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, बैठ के फालतू बातें तो घंटों तक होती है, बीच में 10 मिनट ये बात भी कर लिया करो, भाई अमृत वेले उठा कर चलो, कोशिश करो उसे घर में लेने चले जाओ, सुबह ले आओ किसी प्रकार, 2 दिन आ गया, हो सकता है उसका जीवन भर का अमृत वेला बन जाए, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक, ये तो प्रेरणा दे दिया करो, पेन ड्राइव देकर लिंक देकर के सुनो, क्या पता कौन जुड़ जाए साथ संगत जी, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक, 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 धन गुरु नानक। आज की प्रभात फेरी की रूट सबको पता है, पर हाथ जोड़कर बेनती है संगत जी साथ में चलिए, थोड़ा छोटा छोटा ही रूट होता है, 7 बजे तक, 7:15 बजे तक समाप्ति हो जाती है प्रभात फेरी की, चला कीजिए साथ में, ये एक एक कदम सफल है, ये समा थोड़ा बार बार आना, आखिरी हफ्ता ही तो बचा है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक, आखिरी के 7-8 दिन हैं ये, गुरु मेहर करे, संभाल लीजिए समा, घर रोज आना है, नाश्ता रोज करना है, सोना रोज है, ये रोज रोज नहीं होना। कल की प्रभात फेरी का रूट गोल मैदान से स्टार्ट होकर मैकडोनाल्ड्स, ओवन डिलाइट, अमन टॉकिस, SSD धाम, काचाराम पुतला, बाबा सेवादास दरबार में समाप्ति है। कल का जो रूट है फिर से सुन लीजिए, गोल मैदान से मैकडोनाल्ड्स, ओवन डिलाइट, अमन टॉकिस, SSD धाम, काचाराम पुतला और बाबा सेवादास दरबार में समाप्ति। धन गुरु नानक, 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 धन गुरु नानक। और थोड़ी सी बेनती एक और है कि संगत बहुत ज़्यादा हो गई है, हेडफोन हमारे कम पड़ गए हैं, लिखा हुआ है यहाँ पर कि अपने साथ वो छोटा वाला लेकर आइए ताकि एक हेडफोन में से 2 लोग सुन सकें, और कुछ हेडफोन टूट भी रहे हैं, संगत कोई पाँव रख देती है, कोई ज़ोर से दबा देता है हाथ से बैठने के टाइम, थोड़ा ध्यान रखिए, वो बहुत महंगे आए और चाइना से मैं खुद जाकर लेके आया हूँ। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, तो थोड़ा इसका ख्याल रखिए, हमारे काम आने हर साल। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।
कवि बाज बिनती चौपाई हमरी करो हाथ दर छ पूरन होए चित की इच्छा तब चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो कृपारा हमरे दुख सब है तुम काबू आभार दे मैं बचाऊ सुखी बसे मोर परिवार सेवक सिख सब है करतारा मोर चरण कर दे करिया सब बैरन को आस करिए पूर्ण होए हमारी आशा तोर भजन की है प्यासा तुम छाड़ कोई और न चाहो जो पर चाहो सुकम ते पाओ सेवक सिख हमारे तारिए चुन चुन सर हमारे बारिए आभार दे मुझे भरिए मन काल का त्रास निवरिए हमारे पचासी जो करे और अच्छा राग लियो मेरा कन्हारे साहिब संसार प्यारे दीन बंधु सन के हंता तुम हो पूरी चतुर्दश कंता काल पाए ब्रह्मा भक्तरा काल पाए शिव जी भक्तरा काल पाए कर्म सन प्रकाश सकल काल का जवन काल जोगी शिव की वेद राज ब्रह्मा रोधियो जवन काल सब लोग